जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। प्रिय भक्तजनों, माँ भगवती कामाख्या देवी माता जी का दिव्य मंत्र मुझे प्राप्त हुआ और दिव्य मंत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिदिन मैंने तीन तीन माला जाप करना चालू कर दिया। नवारण मंत्र की शक्ति का मुझे अंदाजा तब पता चला जब 8 वर्ष तक माँ भगवती अम्बा भवानी माँ कामाख्या देवी के दिव्य शक्तिपीठ का प्रचार किया, जहाँ पर प्रतिदिन भक्त 1-2 जाते रहते थे, वहाँ पर आज के समय में प्रतिदिन भक्त 500, 600, 400, 200 के ऊपर ही भक्त लोग माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैंने जिस भगवती के दिव्य और पवित्र स्थान का प्रचार किया वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत जो सतपुड़ा के घने जंगल हैं वहाँ पर धारोड़ गांव में स्थित है माँ भगवती कामाख्या देवी का गुप्त पीठ। महाराष्ट्र से अगर आप उस दिव्य पीठ पर आते हो दर्शन करने के लिए तो आप अमरावती से 40 किलोमीटर दूरी पर माँ भगवती अम्बा देवी माँ के दरबार गुफा वाले दरबार पहुंचकर माता भगवती अम्बा भवानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार से आपने देखा है कि माँ भगवती वैष्णो देवी माता जी के एक भक्त श्रीधर पंडित को माँ ने दर्शन दिए थे त्रिकुट पर्वत पर और वहाँ पर त्रिशक्ति के रूप में माँ जगदम्बा वैष्णो रानी वहाँ पर विराजमान है, उसी प्रकार से माँ अम्बा देवी माँ कामाख्या देवी की एक भक्त थी मंगला माता। मंगला माता ने सतपुड़ा के घने जंगलों में कठोर साधना की और माँ भगवती अम्बा भवानी माँ भगवती कामाख्या देवी ने सतपुड़ा के घने जंगलों में धारूढ़ घाव की दिव्य गुफाओं में माँ भगवती ने मंगला देवी को दर्शन दिए और तभी से माँ अम्बा भवानी कामाख्या देवी के रूप में इस दिव्य स्थान पर विराजमान है। तपस्वी संत माँ मंगला माता जी का स्वर्गवास सन 1984 में हो चुका। उसके बाद माता रानी के दरबार में धीरे धीरे भक्त बढ़ते गए, लेकिन सन 2012 में पहली बार मैं माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पहुंचा और माता रानी के दरबार का प्रचार प्रसार का कार्य आरम्भ किया। प्रिय भक्तजनों, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ष 2012 से मैं 2020 तक पहुंचा, अनेक दिव्य शक्तिपीठों की महिमा जनमानस तक पहुंचाने के बाद माता भगवती ने मुझे नवारण मंत्र की साधना का सौभाग्य प्राप्त किया। महामार्च में नवरात्र के समय मैंने 9 दिनों तक माता भगवती की अखंड ज्योत जलाकर प्रतिदिन 10-10 माला मैंने नवारण मंत्र की साधना की और माता रानी का अपार आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। लेकिन भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि भगवान शिव को मैंने अपना गुरु बनाया था और भगवान शिव के ही मार्गदर्शन में मैं यह साधना कर रहा था। आप सभी को बताना चाहूँगा कि 8 घंटे की जॉब करने के बाद में मैं रूम पर आता था और फिर सबसे पहले जल लाकर स्नान करता था और स्नान करने के बाद पवित्र होकर मैं पूजा के स्थान पर पहुँचता, वहाँ पर आसन बिछा कर माँ भगवती का आवाहन करता था। एक छोटा सा दीपक था मेरे पास, उस दीपक को प्रज्वलित करता था। समय माँ भगवती दुर्गा माता जी की ही दिव्य स्वरूप चामुंडा माता माँ कामाख्या देवी के दिव्य मंत्र की साधना करने के लिए दुर्गा सप्तशती में जो कवच दिया गया है उस कवच का पाठ करता था, फिर अर्गला स्रोत का पाठ करता था, फिर कीलक का पाठ करता था, फिर उसके बाद में सापोद्धार करने के बाद में मैं भगवती चामुंडा माता जी के मंत्र का जाप करता था। एक माला जाप करने में भी मुझे बहुत लंबा समय लग जाता था क्योंकि मेरे शरीर में प्राणायाम की जो क्रिया थी वह नहीं करता था मैं। मुझे शायद इस क्रिया के बारे में बताने वाले गुरु भी नहीं थे उस समय, इसीलिए मेरे प्राण शुद्ध नहीं हो पाए थे। मेरे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र में उस समय बहुत सारी अशुद्धियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे मंत्र जाप करने से मेरी आत्मशक्ति संकल्प शक्ति सहन शक्ति बढ़ रही थी। मेरे जीवन की वो घटना है जिस घटना ने मेरे जीवन में वो चमत्कार किए कि मैं बता नहीं सकता था। मैं माला जाप करता था, मैंने YouTube पर माला जाप करने के वीडियो देखे थे, साथ ही नवारण मंत्र की साधना कैसे करें के कुछ वीडियो देखे थे। उसके आधार पर मैं धीरे धीरे माता भगवती की साधना करना आरंभ कर चुका था। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे माँ
भगवती कामाख्या देवी की साधना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज जो मेरे सानिध्य में साधक है या फिर जो माँ बगलामुखी पीठ सांगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश से दीक्षा ले लेते हैं साधक, मैं उन्हें बहुत ही उत्तम तरीके से माँ की साधना का मार्ग बताता हूँ। उन्हें सुरक्षा मंत्र से लेके गणपति जी का मंत्र और गुरु मंत्र, कई प्रकार की ऐसी प्रोसेस बताता हूँ जिसके माध्यम से वे सरलतापूर्वक साधना कर लेते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों को अंकुश लगाने के साथ साथ अपनी महाकुंडलिनी शक्ति को जगाने का भी मार्ग मैं बहुत सरलतापूर्वक अपने साधक भक्तों को बता देता हूँ। लेकिन उस समय मेरे पास ऐसा कोई गुरु नहीं था। भगवान शिव की प्रेरणा से जो जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा था उस आधार पर मैं अपनी धीरे धीरे साधना को बढ़ा रहा था। मैं भगवती माँ कामाख्या देवी के दिव्य स्वरूप चामुंडा स्वरूप की महिमा का कितना वर्णन करूँ, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में जब प्रतिदिन मैं कवच पढ़ता था, अर्घला स्रोत पढ़ता था, कीलक पढ़ता था, तो मुझे पूर्ण रूप से यह ज्ञान हो चुका था कि माँ भगवती कामाख्या देवी के दर्शन पाने के लिए हमें किस किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। पूरे शरीर से माँ भगवती के एक एक स्वरूप से सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है। उसके बाद रूप दो, ज्ञान दो, विज्ञान दो, सब प्रकार के दिव्य मंत्रों का आह्वान करना पड़ता है अर्घला स्रोत में। और प्रत्येक मंत्र श्रापित है उसे सापोद्धार करने के लिए, मंत्र की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको कीलक भी पढ़ना पड़ता है। भक्तजनों, ये जीवन का वो अनुभव है जो हर कोई नहीं जान सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। जो समुद्र में गया हो तैरने के लिए वही बता सकता है कि समुद्र में तैरने के समय किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं मेरा अनुभव कहूँ तो एक माह अप्रैल भर में माँ भगवती कामाख्या देवी के दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा से प्रतिदिन साधना करने के बाद जब मैं सोता था तो मुझे रात्रि में एक स्वप्न दिखता था और मैं अगले ही दिन उस स्वप्न के बारे में नोट कर लेता था। इस प्रकार से धीरे धीरे अप्रैल माह गुजरते गया और मैं कम से कम 3 माला ही जाप करता था। मेरे लिए 3 माला जाप करना बहुत बड़ी बात थी। मैं चाहता था कि मुझसे कोई गलती ना हो, इसके लिए मैं बहुत अच्छे से कवच, अर्घला स्रोत, कीलक पढ़ता था, जिसमें मुझे आधा घंटे से 1 घंटा समय लग जाता था। उसके बाद में मैं मंत्र जाप की साधना आरंभ करता था। आप सभी भक्तजनों को बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, नवारण मंत्र का जाप करते हो, आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप कुंजी का स्रोत का पाठ अवश्य करें। कुंजी का स्रोत का पाठ करने से आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, आपके मंत्र में जागृति जल्दी जल्दी होने लग जाती है। माँ भगवती कामाख्या देवी की महिमा अद्भुत है, अनंत है। अगर आप नवारण मंत्र का जाप मेरे सानिध्य में अगर वर्तमान समय में अगर 50,000 भी कर देते हो तो आपके शरीर में इतने बदलाव होंगे, आपके शरीर में, आपके जीवन में ऐसे ऐसे शुभ कार्य होंगे जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन माँ भगवती कामाख्या देवी की भी भैरव है, माँ चामुंडा देवी के भैरव है, चामुंडा देवी के भैरव चंड भैरव है, तो चंड भैरव के सानिध्य में किस प्रकार से आपको माँ भगवती कामाख्या देवी के दिव्य मंत्र नवारण मंत्र की साधना करना होगा, इसका अनुभव तो एक गुरु ही बता सकते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में मैं लगभग 12 वर्षों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन नाम जब मैंने अधिक किया उसके बाद में मैं मंत्र जाप की ओर आया। धीरे आप आपकी साधना में बढ़ते हुए जाते हो। मैं कामाख्या देवी की साधना कर रहे सभी साधकों से कहना चाहूँगा कि आप माँ कामाख्या भगवती की साधना कर रहे हो, नवारण मंत्र की साधना कर रहे हो, क्योंकि माँ भगवती कामाख्या देवी का दिव्य मंत्र नवारण मंत्र ही है। आप इसका प्रमाण महाभारत में देख सकते हो। जब खाटू श्याम जी को माँ भगवती के दर्शन हुए, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो उन्होंने माँ भगवती को प्राप्त करने के लिए, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए नवारण मंत्र की साधना ही की थी। और आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो नवारण मंत्र हैं, इसके जाप से माँ दुर्गा के सारे स्वरूप प्रसन्न होते हैं। माँ भगवती
जो चामुंडा देवी है उनके अंदर तीनों ही स्वरूप समाहित है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। दुर्गा सप्तसती अर्थात इसके अंदर 700 मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप करने से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। मैं ही नहीं, मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी ने भी दुर्गा सप्तसती की महिमा का वर्णन किया, जिन्होंने तीन माह के लिए अखंड समाधि ली है, तीन माह के लिए अपनी प्राण वायु को रोका है। उन्होंने भी बताया कि बेटा, शुरुआती दौर में मैंने भी माँ भगवती चामुंडा देवी की साधना की थी, कामाख्या देवी की साधना की थी और दुर्गा सप्तसती का पाठ किया था। गुरुदेव जी को तो दुर्गा सप्तसती के कई मंत्र वैसे ही याद है, कुंजिका स्रोत का भी जो पाठ है गुरुदेव जी ऐसे ही कर लेते हैं। और गुरुदेव जी ने ही मुझे बताया कि जो कामाख्या देवी का जो बीज मंत्र है, यह माया बीज मंत्र है। बीज मंत्रों का भी मंत्र और श्रेष्ठ मंत्र है निवारण मंत्र है, इसलिए निवारण मंत्र को प्रणाम किया करो। जिस प्रकार से साधक गायत्री माता का जाप करते हुए दिव्यता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से तंत्र जगत में गायत्री मंत्र जैसे ही पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र है निवारण मंत्र। कोई भी साधक किसी भी महाविद्या की साधना कर रहा हो, किसी की भी साधना कर रहा हो, अगर आप साथ साथ निवारण मंत्र का भी कम से कम 21 बार 108 बार जाप करते हो तो आपके करंट में, आपके शरीर में आपकी तंत्रिकाएं जागृत होना चालू होगा और बहुत जल्दी आपके शरीर में वह दिव्य शक्ति प्राप्त होगी आपको और महाकुंडलिनी शक्ति भी उठकर ऊपर की ओर बढ़ेगी। फिर क्या बात है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। आप माता रानी से मांगोगे नहीं, माँ बिना मांगे ही माँ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करना चालू कर देंगी। जो साधक नए हैं, जो माँ भगवती बगलामुखी माता कामाख्या देवी की साधना करना चाहते हैं, उन साधकों को कहना चाहूंगा कि जब आप मंत्र जाप करते हो तो त्राटक करें, एक दिया जलाकर लगातार मंत्र जाप करते हुए उस दिए की लो के अंदर भगवती का चिंतन करिए, त्राटक करिए। साथ ही दिन में कम से कम 2 मिनट के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास करिए। दिन में कम से कम 2 मिनट के लिए अनहदनाद, इस प्रकार से कान में उंगली डालते भी हरि मन को भी और आंतरिक मन को भी शांत कर दीजिए। और कुछ समय के लिए ऐसा सोचिए कि उस परमपिता परमात्मा के अलावा आपका कोई नहीं है और उस परमपिता परमात्मा को बुलाओ कि प्रभु मुझे आप मेरा आत्म साक्षात्कार कराइए। इसी के साथ आप सभी को कहना चाहूँगा कि आसन अर्थात सुखासन बनाइए, और अगर शाक्त परंपरा से आप देवी की पूजा आराधना कर रहे हो तो योनि मुद्रा सरल वाली बनाएं, अगर बड़ी वाली नहीं आती है तो इस प्रकार से सरल बनाएं, और भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए इस प्रकार से आप लिंग मुद्रा बनाएं। कई प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है, भगवान गणेश के लिए भी मुद्रा बनती है गणेश मुद्रा। तो आप सभी से कहना चाहूँगा, हमारे जीवन में हम जल्दी से जल्दी तंत्र को जगाना चाहते हैं तो हम हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करें, साथ ही कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर अंकुश लगाएं। मेरे जीवन में माँ भगवती कामाख्या माता जी की जो मैंने साधना की, निवारण मंत्र की साधना की, पूरे माह में साधना करते रहा पर 90 ही माला जाप कर पाया, 30 दिनों में मात्र 90 माला जाप कर पाया, अर्थात एक दिन कम से कम मैं 3 ही माला जाप कर पाया, लेकिन वह शक्ति वह भक्ति की ऐसी कृपा मेरे जीवन में हुई कि धीरे धीरे मेरे जीवन में सकारात्मक संकेत आना चालू हुए, सकारात्मक घटनाएं घटना चालू हो गई और माता रानी मेरे साथ चल रही थी। एक अलग ही जीवन में एक आनंद सा आ चुका था। जैसे ही बिस्तर से उठूं तो जल्दी से मैं स्नान के लिए जाता था, स्नान और नित्य क्रियाएं करने के बाद पुनः देवी स्थान पर आकर माँ भगवती का चिंतन करने लग जाता था, मंत्र जाप करने लग जाता। जब कंपनी से जैसे ही मैं घर वापस आता था तो मैं सबसे पहले स्नान करके पूजा के स्थान पर बैठता था। मैंने जो बाकी जो मेरे कार्य थे उन सभी कार्यों को बीच में रख दिया था कि सबसे पहले परमात्मा है, परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ मंगल होगा। और आज जो कुछ भी रविंद्र बना है, बनकर आपको जो दिव्य मार्गदर्शन दे रहा है, इसके पीछे मेरी भक्ति, मेरी लगन और श्रद्धा है। मैं आप सभी भक्त लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने मार्च में माँ भगवती कामाख्या देवी के निवारण मंत्र की साधना चालू की थी और अप्रैल माह में मैं लगभग 90 माला जाप कर पाया। मैं लक्ष्य लेके चल रहा था
कि मुझे इतनी माला जाप करना है, और मैंने अगले महीने के लिए भी संकल्प लिया था कि माता रानी मैं अगले महीने अब ये 90 से बढ़कर देखूंगा। आप सभी भी, आपके पास जो भी मंत्र है, चाहे गुरु दीक्षा ली हो चाहे गुरु दीक्षा ना ली हो, आप जपते जाइए जपते जाइए जपते जाइए जपते जाइए, क्योंकि जपत सिद्धि, जपने से ही आपको सिद्धि मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी गड्ढे में गिर जाओगे, लेकिन पुनः उस गड्ढे से निकलकर फिर चलते जाओ, क्योंकि जो ठोकर खाता है वही सक्सेस होता है, जो कष्ट पाता है वही जीवन में सफल होता है। तो आप सभी साधकों से कहना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी की कृपा से, माँ कामाख्या देवी की कृपा से मेरे जीवन में उस दौरान बड़ा ही आनंद आ चुका था। माँ भगवती का मैं बारंबार प्रणाम कर रहा था कि माँ भगवती यह साधना मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई, मेरे जीवन में इतने सारे शत्रु थे, इतनी सारी आपत्ति थी, इतनी सारी विपत्ति थी, माता भगवती आपने मुझे साधना का मार्ग अगर 2012 में ही दे दिया होता तो आज आपका बेटा आपके कितने करीब होता माँ। लेकिन माँ ने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा तुझे तेरी मातृभूमि के लिए जो धर्म कार्य करना था, तुझे तेरी संस्कृति के लिए जो कार्य करना था, तुझे ये नाम जप करने वाले भक्तों को किस प्रकार से प्रेरणा देना था, यह तो तेरे भाग्य में लिखा हुआ था। जब तक तू अपना भोग काल पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं तुझे कैसे वह मार्ग बताती। तो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से मैंने पशु भाव में भी साधना की, और पशु भाव से वीर भाव में साधना करने का प्रयास किया, और आज वीर भाव से दिव्य भाव की ओर साधना कर रहा हूं। तो आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि माँ कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी, माँ की शक्ति अद्भुत है, अपार है। बस एक ऐसा गुरु जो आपके अच्छाई में भी आपका साथ दे और आपकी बुराई में भी आपका साथ दे। ऐसा नहीं कि आप बुरे कार्य कर रहे हो तो वह आपके बुरे कार्यों में आपका साथ दे, अभी तो बुरे कार्य करने पर आपको डांटे फटकारे और आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करे। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि समय अभाव के कारण साधना नहीं कर पाते, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप रविंद्र से जुड़े, मैं आपको एक अच्छा वैज्ञानिक साधक बनाकर तैयार करूंगा। आपके जीवन में आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को आप प्राप्त कर सकते हो। मेरे पास ऐसे हजारों उदाहरण हैं। माँ बगलामुखी मंदिर शिवनी, जहाँ पूज्य गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी भक्त जनों को दिव्य मार्गदर्शन देते रहते। मैंने सैकड़ों साधकों की माता जी से दीक्षा करवाई और सैकड़ों साधकों के घर में माता जी से हवन भी करवाया, और यकीन मानो सैकड़ों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। किसी को रेलवे में जॉब मिल गई, तो किसी के घर पे संतान प्राप्ति हो गई, तो किसी के पति पत्नी के बीच के मनमुटाव खत्म हो गए। ऐसे हजारों उदाहरण आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल से देखने को प्राप्त होगी। आप सभी को मेरी कामाख्या माँ की यात्रा कैसे लग रही है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। शुरुआती साधना आप सभी को बता रहा हूँ, इस साधना के बीच बीच मेरे वर्तमान जीवन की भी कुछ चीजें मैं जोड़ रहा हूँ, ताकि आप साधना में सफल हो सको, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उस समस्या से आप छुटकारा प्राप्त कर पाओ। इसीलिए मैं वर्तमान समय की भी कुछ घटनाओं का उल्लेख करता हूँ। आप सभी को जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।